नहीं आया, आएगा क्यों नहीं, क्योंकि ये है मैंगो यानी कि आम। तो आम रस बनाएंगे, फटाफट बन जाता है और बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों को और मुझे दोनों को पसंद है। तो यहाँ पर मैंने 3 मैंगो लिए थे, उनको अच्छे से छील के छिलका निकाल कर और इनको इसके पीसेस में काट लिया है। और अब लेते हैं मिक्सी का जार, मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा इनको आधा आधा कर कर पीस लेते हैं। तो हमने इसको पीस कर इसमें खाली कर लिया है और जार में जो थोड़ा सा चिपक गया है तो इसके अंदर डालेंगे चिल्ड ठंडा पानी, करीब 1 गिलास, साइज ये है, और इसको थोड़ा सा मिलाते हैं इससे और ऐड कर देते हैं यहाँ पर। और अब इसको राई लेते हैं, ये राई से मिलाते हैं तो यहाँ पर हमने इसको फैट लिया है। अब इसमें डालते हैं हम 500 ml मिल्क यानी दूध, और अब इसमें डालते हैं आधा कप चीनी, और अब इसको अच्छे से फैटना है। और जितना इसको फैटेंगे उतना ही मजा आएगा पीने में। तो इसको हमने अच्छे से फैट लिया है, इससे करीब 10 मिनट फैटना पड़ेगा। और आपका तो ब्लेंडर मशीन हो तो आपसे फटाफट काम हो जाएगा। तो अभी इस राइस ही करा है हमने काम, किसी के पास नहीं हो तो। अब ये बन चुका है तो अब इसको खाली करते हैं ग्लास में। कर दे यार, पर एक टिप मैं आपको बता देता हूँ, जो दूध है उसको आपको गर्म करना है, गर्म करने के बाद को दूध अच्छे से ठंडा करना है, चाहे फ्रीजर में रखे लेकिन बिल्कुल दूध को आपको ठंडा करना है, वरना आपका दूध फट जाएगा और आपका आम रस की जगह मलाई वाला कुछ बन जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके अंदर आप शरबत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गार्निश कर रहा हूँ ऊपर से थोड़ा सा शरबत। तो फ्रेंड्स दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। तो चलिए जो बनाया ठंडा ठंडा आम का रस खाकर पीकर खत्म करते हैं।